दिवाली में पता नहीं गया मुझे, ये वही अभी कोई पूछ रहा था लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हेलो हेलो, अरे खड़ी क्यों है, कहाँ पे, कैसे, अरे वाइट लाइट है क्या, क्या यार सब आ चुके हैं हमारे मेन डांसर, अभी आ रहे हैं। ये काम रंजन जी, रंजन जी और क्या करो वेरी गुड इवनिंग मेंबर्स ऑफ द मीडिया और हमारी फैमिली के सब सदस्यों को। वैसे कहा जाता है कि अगर फैमिली साथ हो तो हर दिन दिवाली लगती है, बिल्कुल। और आज हमारे साथ इंडियाज मोस्ट लव्ड फैमिली है और दिवाली का शुभ अवसर भी है, यानी कि मेरा नाम हिमांशी है और सोनी सब की वागले की दुनिया दिवाली पार्टी में आप सबका स्वागत है। वैसे आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत कष्ट भरे समय के बाद अब ये सेलिब्रेशन का माहौल है, तो एक बार जोरदार ताले हो जाए फाइनली। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया की फेवरेट फैमिली है और मतलब फैंस ने इतना प्यार दिया है, वो इतना प्यार दिया है कि मैं क्या बताऊँ कितना प्यार दिया है। पर फिर भी हम इस मौके में एक बार फिर से इन इस फैमिली का इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं जी। वैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ हैं वागले की दुनिया के सारे परिवार के सदस्य और चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे सीनियर और सबसे फन सदस्य के साथ। हमारे साथ है मिस्टर श्रीनिवास वागले, यानी कि मिस्टर अंजन श्रीवास्तव और उनकी धर्म पत्नी यानी कि लाइफ पार्टनर और इस शो में जो एकदम लाइफ भर भी देती है, राइट देयर हमारे साथ है राधिका वागले जी, दैट इज मिस भारती आचरेकर। इनको इंट्रोड्यूस करना मतलब इतनी विचार मेरी नहीं है, पर फिर भी वी हैव मिस्टर सुमित राघवन राइट हियर जो है नन अदर देन मिस्टर राजेश वागले। आप देख सकते हैं कि परिवार को कितना जोड़ के रखे हैं ये। वेल उनकी भी यहाँ पर लाइफ पार्टनर हमारे साथ ही है परिवार प्रणिति यानी कि वंदना वागले। अब ऐसे कहा जाता है कि हर फैमिली में ऐसे कुछ शख्स होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं और वो होते हैं शरारती होते हैं, राइट, और वो है इस फैमिली के नन्हे मुन्ने, बहुत ही स्मार्ट, थोड़े से शैतान, थोड़े लेकिन बहुत ही लाड ज्यादा शैतान हमारे बच्चे, यानी कि अथर्व वागले, शिहान कपाही और सखी वागले यानी कि चिन्मयी सालवी। सो क्या बात है, वागले की दुनिया के सारे सदस्य हैं इन पर। तो वैसे आज इस फैमिली के साथ बहुत सारी मस्ती होने वाली है और सवाल बहुत ही सिंपल है कि वैसे वागले परिवार आपका दूसरा फैमिली है जी, तो कैसा लग रहा है आपको कि दिवाली आप सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और क्या प्लान्स है, क्योंकि पता है हम इंडियंस को बहुत ही दिलचस्पी होती है कि फैमिली दिवाली प्लान में क्या करने वाली है और शायद हम भी फिर वो कॉपी कर सकते हैं। नहीं, नहीं, क्या है दिवाली मतलब जब भी ऐसा कोई त्यौहार आता है हमारी समाज की वो खासियत होती है ना, फिर गणेश चतुर्थी हो, होली हो, दशहरा हो, गुड़ी पाड़वा हो या शिवरात्रि हो या फिर दिवाली, तो दिवाली सपोज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो जी हाँ, वागले परिवार भी इससे बच नहीं सकता है, हम यहाँ पर भी बहुत मस्ती करने वाले हैं। हमारे दिवाली के एपिसोड्स जो आने वाले हैं वो आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक अलग कॉन्सेप्ट हमने हमारे राइटर्स ने क्रिएट की है, तो उसमें हम मिठाई भी बना रहे हैं, हम गिफ्ट भी बांट रहे हैं, तो जी हाँ। लेकिन जो गेम हम खेलने वाले हैं ना, हमने जो एक्चुअल एपिसोड में जो गेम खेला है ना वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी उसका अनुकरण करोगे। अरे वाह, लेकिन आप वो अब नहीं बताएंगे, नहीं अब नहीं बताएंगे, ऐसे थोड़ी होता है, फिर वो आपको 9 बजे देखना पड़ेगा। और सिर्फ फैमिली नहीं, हमारे आसपास रहने वाले सब साथ मिलके, सो एक बात थॉट जो है आई थिंक हमारे इंडियन सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट थॉट है कि हम परिवार मतलब सिर्फ
अपने चार पांच फैमिली मेंबर तक सीमित नहीं रहता, हम अड़ोसी पड़ोसी सब एक परिवार बन जाते हैं। और वही हमने इस दिवाली में दिखाया है कि कैसे हमारे जो दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, वो हमारे वागले परिवार का हिस्सा बन गए। और क्या मनपसंद चीज, और हाँ, एज फैमिली हम उनकी पसंद का भी ध्यान रखते हैं कि वो क्या पसंद है। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या ऐसे प्लान्स हैं आपके इस फैमिली के साथ दिवाली के? क्या गिफ्ट देना चाहेंगे आप अपने राधिका को? आप क्या गिफ्ट देना चाहते हैं, आप क्या पसंद करती है ये बताइए, मैं वही गिफ्ट दूंगा। मुझे लगता है कि राधिका जी के पास लिस्ट है, वो लिस्ट लेकर ही आएंगे, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपने मन से अगर कोई गिफ्ट देनी होती तो आप क्या देते होंगे दिवाली गिफ्ट? मैं सब ऑडियंस को, अपने सारे पत्रकार भाइयों को और अपनी फैमिली को दिल से प्यार दूंगा, प्यार। वाह वाह वाह, जिसकी जिसकी बहुत दिवाली में सबकी जरूरत है, बिल्कुल इस वक्त जरूरत है, बिल्कुल कोरोना के टाइम पे भी जरूरत है, प्यार चाहिए, प्यार। बिल्कुल बिल्कुल सही, और वैसे प्राइसलेस है प्यार का, मतलब जब भी मिले तब ले लेना चाहिए, और अगर इनसे मिले तो दुगना ले लेना चाहिए। नहीं, और वागले परिवार से प्यार मिल रहा है, मतलब मतलब आपने तभी कहा ना कि इंडियाज मोस्ट फेवरेट फैमिली, मैं कहूंगा कि इंडियाज मोस्ट वांटेड फैमिली, एवरीबॉडी वांट्स दिस फैमिली। अच्छा, वैसे आप जानते हैं अभी सर ने भी यही दोहराया है कि इंडियाज मोस्ट लव्ड मोस्ट फेवरेट फैमिली है, और इतना प्यार देती है, लेकिन वो ये कुछ मैसेजेस जानना चाहते हैं आप सबसे। तो हमारे जो फैंस देख रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आप वागले परिवार की ओर से, सबको, हर सदस्य की ओर से? बोलो क्या मैसेज देना चाहोगे? तुम सुनो, अपने छोटा फर्स्ट दादी। अच्छा दादी, मैं मैसेज ये देना चाहूंगी, आप जितना हो सके हमारे हमें और प्यार चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। नहीं, मुझे मतलब पता है कि आजकल रिमोट है हाथ में, तो कुछ भी आप देखते हैं, चैनल देखते हैं, पर एक बार अगर किसी ने नहीं देखा है, मान लो, तो एक बार अगर उसने देख लिया ना एक ही बार, तो मुझे नहीं लगता वो चैनल फिर से चेंज करेगा, वो हमेशा वागले देखता रहेगा। बिकॉज उसमें पूरी, आजकल जो मैं देख रही हूँ, पूरी फैमिली बैठ के, मतलब छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक बैठ के सीरियल अगर कोई है तो सिर्फ वागले, और कोई सीरियल में ऐसे नहीं है कि जो पूरी फैमिली मिलके देख सके। और जैसे पुराने जमाने में होता था, हमारी जब सीरियल आई थी वागले की दुनिया, उस वक्त ऐसे होता था, सारे के सारे बैठ के इकट्ठे देखते थे सीरियल। मुझे लगता है वी आर द ओनली, आवर्स इज द ओनली सीरियल के जो पूरी फैमिली देख सकती है और हंस सकती है और इंजॉय कर सकती है और कुछ ले सकती है सीरियल से, कुछ मैसेज ले सकती है, कुछ सिखा सकती है अपने छोटों को, छोटे लोग कुछ बड़े लोगों को सिखा सकते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी और कोई सीरियल है, तो प्लीज 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 हमारी सीरियल आज से देखिए। अभी मैं कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि हम सब वागले परिवार की ओर से और आप सब की ओर से, सबसे पहले इसके मेन क्रिएटर जो हैं उनकी सेंटिनरी ईयर है, आर के लक्ष्मण साहब जी, जिनके लिए हम लोग आज हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, नई पीढ़ी तक जा रही है, अगली पीढ़ी तक जाएगी इधर की, तो ये जो पीढ़ी उन्होंने शुरुआत की है, मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, उनको याद करना चाहता हूँ। और उनका जो मेन ध्येय था ये कि ये परिवार, यानी हिंदुस्तान का परिवार, हमारे पूरे कंट्री की बात, हमारे घर की, हमारे स्टेट की, सारे स्टेट्स की बात है, ये सब्जेक्ट इस तरह का लिखा हुआ है, और वो नई पीढ़ी चला रही है। आज जब कोरोना के टाइम पे जिस हालात में हमारे सीरियल ने उसको डील किया है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो आपकी ज़िंदगी में पहले भी होता था, पुरानी पीढ़ी भी वही करती थी जो आपकी ज़िंदगी की चीज़ों को ला के रखती थी, नई पीढ़ी भी वही कर रही है जो आपकी ज़िंदगी में है, डेली घटता है, और आज क्या घट रहा है, कोरोना का इफेक्ट। मैं ये चाहता हूँ कि सबको मैसेज ये दीजिए कि इस कोरोना के समय में जो मार्केट की स्थिति हो गई है, लोग काफ़ी तकलीफ में है, हर एपिसोड में राजेश इस चीज़ पर जोर देता है कि लोग कितनी तकलीफ में हैं, वो इस तकलीफ में है, वो उस तकलीफ में है, सबको वो प्यार बांटने की बात जो कर रहे हैं, इस वक्त ज़रूरत है लोगों को, बड़ी ज़बरदस्त सिंपैथी की ज़रूरत है। शायद आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे तो घर घर में लोग तकलीफ में हैं, उन घरों की कहानी के अंदर में हम भी हैं, हम उनकी वो रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ वागले का मतलब ही है
कि आप सबकी जिंदगी को हम रिप्रेजेंट करना, यही मेरी, यही हमारा ध्येय है, यही राजेश बगले करते, कल को ये भी यही करेंगे। मैं यही मैसेज है मेरा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत हावी हो रहा है टेलीविजन पर, लेकिन टेलीविजन कहीं नहीं जाने वाला, टेलीविजन इज हियर टू स्टे, क्योंकि ऐसी भी एक ऐसा भी एक वर्ग है जो आज भी घर जाने के बाद रिमोट ढूंढता है। तो जो हमारे माता पिता हैं या हमारे दादा दादी हैं, नाना दादी हैं, वो आज भी टेलीविज़न से उतने ही जुड़े हुए हैं। माना कि आज सबके हाथ में ये आ गया है तो सब घर बैठे अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म देखते रहते हैं, लेकिन वाकई की दुनिया जो है ना, वो एक अच्छा वर्ड कॉइन किया है, इट्स अ वेब सीरीज़, मतलब टेलीविज़न भी है और वेब भी है, उसका एक अनोखा संगम है, आपको वाकई में देखने को मिलेगा। मतलब उसमें मनोरंजन दे ही, मैसेज तो दे ही रहे हैं हम, बट एट द सेम टाइम बड़े ही बड़े ऐसे विषय हम लोग यू नो वी आर हैंडलिंग इश्यूज जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके साथ होते रहते हैं, लेकिन आप हमें क्या ना, हमें सब कुछ लार्जर देन लाइफ देखने की आदत हो गई है। वो सास बहू का झगड़ा और एक विलन और एक वैम्प, यहाँ पर वो नहीं है। आपके घर में सास बहू क्या होता है? हाँ, exactly, हम वो दिखाते हैं आपके घर में क्या होता है, और उसका तोड़ निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से नई पीढ़ी जो OTT की तरफ आकर्षित हुई है ना, उसी तरह वो यहाँ पर भी जुड़ गई है, क्योंकि इन ये जो दो सीनियर्स हमारे पास बैठे हुए हैं, इन्होंने 33 साल पहले ये शो किया था, तो वो जो पीढ़ी, मतलब मैंने देखा हुआ शो है, तो आज फॉर मी लाइफ हैज कम फुल सर्कल, मैं आज उसी शो का हिस्सा बन गया हूँ। मैं जिस शो को टेलीविजन पर देखता था, आज मैं उस शो का हिस्सा बन गया हूँ, और मेरे बच्चे आज, क्योंकि आज आप ट्विटर पर देखोगे, FB पर देखोगे ना, तो राधिका और श्रीनिवास के पुराने पुराने क्लिप्स वायरल हो गए हैं। तो उससे और क्यूरियोसिटी जनरेट होगी कि अरे एक मिनट, ये तो वही है ना जो मेरे डैड के शो में है, और फिर वो जाकर वो चेकआउट करते हैं वो शोज। सो यू नो, एक कहीं ना कहीं एक वो गैप जो है ना, वो ब्रिज हो। आई फील कि OTT के साथ साथ यंग जनरेशन जो है वो वापस टेलीविजन की तरफ आ रही है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टेंट दैट वी आर डिशिंग, एंड आई एम रियली रियली प्राउड। मामूली कॉन्टेंट नहीं है, नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जो प्रॉब्लम्स है आपकी जिंदगी में, जो और सीरियस में फिल्म में भी नहीं दिखाते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या दिया है? एग्जैक्टली, राधिका चाहिए जो एक्चुअली लड्डू बनाने वाले हैं वो उनके हिसाब से बना। चलो चलो चलो, दूर रहो। दूसरी बात है, पानी चाहिए, पानी कटोरे में पानी चाहिए। आज चैलेंज ही यही है कि ना तो पानी मिलेगा ना तो कुछ, यही चैलेंज है आज हमारा। ओ बोलिए, चैलेंज कैसे होगा? लड्डू दुकानों में जैसे आप लड्डू खाते हैं मोती चूर के, वैसे ही बनाऊंगा मैं। देखिए, लेकिन आप खाएंगे ना? मीडिया से डाइट पे पानी दे दीजिए। राजेश वाकले है, ये स्प्रे का ध्यान रखता है। वैसे वाकले फैमिली, मैं आपको बता दूं कि आपके पास वक्त सिर्फ एक मिनट का है, यानी कि 60 सेकंड्स ही है आपके पास। ये ना ये मुझे वो दे दे, बस जस्ट चला गया। सरोज, आपका यही तो ऑपरेशन है कि 60 सेकंड्स में कौन सी टीम सबसे ज्यादा लड्डू बना स्कूल है? कुछ उठ सी दो ना, दिखेगा नहीं वैसे। दिखे मैं वो कैमरे में दिखे, बार बार नहीं देखा स्टूडियो में। आपको जो चाहिए हो गया, तो शुरू करें। नहीं, एक टेबल, एक टेबल वहाँ चाहिए। निकाल दिया, निकाल दिया, निकाल दिया। चलो ओके, रेडी, 60 सेकंड्स में
कौन सी टीम के सबसे ज्यादा लड्डू बनते हैं बट टाइम स्टार्ट नाउ स्टार्ट कम ऑन लेट्स डू दिस देखते हैं 60 सेकंड्स राउंड लड्डू बनने चाहिए राउंड और प्लेट पर आप जल्दी से रख दीजिए वो गिरने नहीं चाहिए बॉयज टीम अगर चीटिंग कर रही है थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा हमें अच्छा बॉयज टीम ही चीटिंग कर रही है अरे ये सब अगर गर्ल्स टीम भी चीटिंग कर रही है वो क्या है वो लड्डू है क्या लड्डू है वो लड्डू है आप अपना देखो गर्ल्स टीम के लड्डू आप अपना देखो हम देख रहे हैं अरे ले ये ले मेरा कहां एक्टर बन गया यार मुझे एमएम मिठाई वाले भी जाते थे और वो लड्डू है ही नहीं खाली रखा है ऐसे करके बस 30 सेकंड का समय बाकी है सिर्फ 30 सेकंड्स ये देखिए नहीं पड़ी है और बस आपका 10 सेकंड बराबर बना है आज बागली की दुनिया में आज मिठाई बन रही है टाइम दीजिए थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिए समय हो गया खत्म बीपर बन चुका है बस स्टॉप 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 खत्म हो गया अकेला बसी लड्डू बनाया था मैंने ये क्या बनाते जा रहे हैं अरे वो एक हाथ में पकड़ा है आप लोग जीत गए आप लोग जीत गए काउंट कर लेते हैं हां 12 12 बनाए 6 9 ये लड्डू तो है ही नहीं ये तो बर्फी है लड्डू है ये रोक दिया इन्होंने मैं वो बर्फी थी बना ही रहे अभी हम आपको बताना चाहेंगे लड्डू हाथ में आ गए एक मिनट मीडिया में मम्मी पापा उसे लड्डू बनाना चाह रहे थे लेडीज लेडीज फर्स्ट फीमेल वागलिस पक्का बिल्कुल बिल्कुल जेंट्स एक बार ऐसे थोड़ा सा दिखा दिखा वापस दिखा यस यस वेरी गुड और ट्रॉफी हमारी मुझे एक बार आप तीन लोग सर आपके लड्डू सर तैयार सर लड्डू दिखाइए सर दिखाइए साथ में सीरियल कुछ भी हो मैटर होना चाहिए सर सर थोड़ा सा प्लेट करके दिखाइए ना सर थोड़ा हल्का सा टेढ़ा कर बस बस हमारे लड्डू थोड़े सीनियर जूनियर ऐसे है कैटेगरी में उनके कैसे जरा प्रॉपर है हमारे थोड़े रास्ता भूल गए सुनिए टाइम थोड़ा 30 सेकंड 1 मिनट का 2 मिनट का कटने के साथ विजुअल बन जाए चलो भाई ये सब अभी इनको दे देते हैं और वो ओके तो बागी परिवार आप हस्ताक्षर के लिए तैयार हैं हाँ बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो आप सुमित हैं आगे नहीं हो जाना चाहते गर्ल्स हैं हाँ गर्ल्स भी है पीछे गर्ल्स गर्ल्स खड़ी मांग के साथ तुम्हारा मांग के साथ तुम्हारा माजा दिल तू ही मेरी मंजिल है कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन ना करते प्यार को माँ करना था इंतजार मगर इकरार तुमसे कर बैठे ना करते प्यार तुमसे कर बैठे ठंडे ठंडे पानी से ना चाहिए आए या ना आए गाना चाहिए ये मेरा दिल प्यार का दीवाना 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 प्यार का दरवाना ना ना लास्ट टू सॉन्ग्स ना ना
दिन क्यों ना है अब हम अपने लिए खेलेंगे।